नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मिड कैप मल्टीबैगर के बारे में बात करेंगे जिसका स्टॉक प्राइस तो रीसेंट पास में काफी ऊपर चला गया है, लेकिन स्टॉक अभी महंगा नहीं हुआ है। इनमें क्या फर्क है, चलिए इन चार्ट्स की मदद से समझते हैं। ये है इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफी बढ़ गया है। ये है इस स्टॉक का पीई मूवमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीई लगभग लगभग उतना ही है। अगर आप मीडियन पीई देखें तो वो 47.4 का है, और अगर आप करंट पीई देखें वो अभी 50 से कम ही है। तो ये क्यों हुआ? देखिए, प्राइस बढ़ गया है और पीई नहीं बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स भी काफी अच्छी स्पीड से बढ़ रही हैं। तो ये स्टॉक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टॉक के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ये कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करती है एक्सपेंशन के लिए। हब जनरली एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे आपकी मेन मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या आपकी मेन इन्वेंट्री वहां पे हो सकती है, या आपके मेन ऑपरेशंस वहां पे हो सकते हैं। ये जनरली एक ज्योग्राफी की सेंट्रल लोकेशन होती है, और स्पोक आपकी वो लोकेशन हो सकती है जहां से कस्टमर को इजिली रीच आउट किया जा सकता है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। जैसा कि आप इस हैदराबाद के मैप में देख पा रहे हैं, इन्होंने हब हॉस्पिटल क्रिएट किया बंजारा हिल्स में, जो कि सेंटर ऑफ सिटी में है, काफी इजीली एक्सेसिबल है। और स्पोक्स हॉस्पिटल उन्होंने उभरती हुई जगहों पे क्रिएट करे हैं, तो कस्टमर के लिए कहीं से भी रीच आउट करना बहुत ईजी है। बेंगलुरु में भी सेम स्ट्रेटेजी है। हब हॉस्पिटल क्रिएट किया मरथली में, जो आउटर रिंग रोड पे है, और स्पोक्स हॉस्पिटल उभरती हुई जगहों पर है। तो एक बार स्ट्रैटेजी को समराइज कर लेते हैं। हर सिटी में जहां पे ये एक्सपैंड करते हैं, एक हब हॉस्पिटल क्रिएट कर लेते हैं जो सेंट्रली और इजीली लोकेटेड होता है, जो उस लोकेशन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है। और फिर ये स्पोक्स हॉस्पिटल जहाँ पे कस्टमर इजीली रीच आउट कर सके वहां पे क्रिएट कर देते हैं। और अगर कोई ऐसा केस है जो स्पोक हॉस्पिटल नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो वो उसको रेफर कर देता है हब हॉस्पिटल। एक बार सेक्टर के ब्रॉड टेलवेंट्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट का स्पेंड हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा है, और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। लोगों में काफी अवेयरनेस है कोविड-19 के बाद। सर्जिकल प्रोसीजर्स और टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट्स हुई हैं। मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। चिल्ड्रन का स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल काफी पुअर हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत खेलते नहीं हैं आजकल, वीडियो गेम्स और फोन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। रेनबो का अभी तक का फोकस सदर्न इंडिया में ही रहा है। साउथ इंडिया में इकोनॉमिक बूम है, इनकम लेवल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्यादा गर्ल्स एजुकेटेड हो रही हैं और ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयड हो रही हैं। 17 हॉस्पिटल्स हैं उनके प्राइमरली साउथ इंडिया में। चाइल्ड डिलीवरी, मेटर्निटी और पीडियाट्रिक हेल्थ केयर में ही फोकस है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एक कॉस्ट का अंदाजा लें तो चाइल्ड डिलीवरी की कॉस्ट यहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपए की है। काफी प्रॉफिटेबल है, मार्जिन अच्छे हैं। करेंट बेड कैपेसिटी 1655 की है, ये पिछले 4.5 साल में डबल हुई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पेशेंट नहीं है। तो जिन हॉस्पिटल्स में, मोस्टली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पेशेंट्स काफी ज्यादा रहते हैं, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहता है हॉस्पिटल्स के लिए, जो रेनबो के पास नहीं है। तो 17 हॉस्पिटल हैं, आउट पेशेंट क्लिनिक्स 3 हैं, 6 सिटीज में प्रेजेंस हैं, 735 प्लस डॉक्टर्स हैं, 1655 कैपेसिटी बेड्स की है, 277,000 प्लस आउट पेशेंट विजिट्स हैं, 19,000 प्लस इन पेशेंट एडमिशंस हैं, डिलीवरीज 3,600 से ज्यादा हैं। फाउंडर डॉक्टर रमेश कंचारला आंध्रा के एक छोटे से गांव से आते हैं। उस गांव में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है यूके के टॉप पीडियाट्रिक हॉस्पिटल से। उनका विजन बहुत ही शानदार है। अगर आप हॉस्पिटल के इंटीरियर्स को देखें तो वो चिल्ड्रन फोकस्ड हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें 2022-2023 की,
तो नेट रेवेन्यू जो है वो 20% प्लस से ग्रो हुआ है, एबिटा 30% प्लस से ग्रो हुआ है, और पैट का नंबर जो कि बहुत ही शानदार है 53% प्लस से ग्रो हुआ है। आरओसी बढ़ते बढ़ते 25 के आसपास आ गया है और आरओई भी बढ़ते बढ़ते 25 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर हम बाकी हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो एक स्टैंड आउट एस्पेक्ट जो अगर आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के एबिटा मार्जिन का है, जो 34.84% है, जो बाकी हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा है। बेसिक हाइजीन नंबर चेक कर लेते हैं। स्टॉक का पी 49.6, ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन बाकी हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो बहुत ही रीजनेबल नंबर है। ये अपने मीडियन पीई के भी आसपास ही है। आरओसी और आरओई का नंबर 25% के आसपास बहुत ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.54, एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, उसके बावजूद कंपनी ने डेट को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर तो बहुत ही शानदार है ही, 5% 0 है, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं ये। ग्रोथ को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। मार्च 2014 को सेल्स का नंबर 122 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2023 में 117 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, जो अभी 34% तक पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट का नंबर 5 करोड़ था मार्च 2014 में, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2023 में 212 करोड़ तक पहुंच गए। नंबर्स को समराइज करके देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। स्टॉक प्राइस हालांकि बढ़ गया है बट प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है, तो अभी भी रीजनेबली वैल्यूड लग रहा है। आरओसीई और आरओई के नंबर्स 25% के आसपास बहुत ही शानदार। Q1 FY 24 का देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें अगर हम क्वार्टर्स को, तो नंबर ऑफ बेड्स में 10% का इंक्रीज है, आईपी डिस्चार्जेस में 14% का इंक्रीज है, डिलीवरीज में 16% का इंक्रीज है, ऑक्यूपेंसी में 5% कम हुआ है, रेवेन्यू 21% से बड़ा है, पैट 7% से बड़ा है, एबिटा 7% से बड़ा। Q1 कंपनी के लिए सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं और फैमिलीज वेकेशंस पे जाना पसंद करती हैं। 2 यूनिट स्टार्ट हुए हैं Q1 FY 24 में, 12% की बेड्स कैपेसिटी ऐड हुई है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लगभग 50% प्रमोटर्स के पास है, 13% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, 20% FIIs के पास है, और लगभग 16.5% पब्लिक के पास। एक बार फ्यूचर और गाइडेंस को देख लेते हैं। कंपनी की गाइडेंस के अनुसार एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ईयर ऑन ईयर 6% से ग्रो करेगा। इंटरनेशनल बिजनेस अभी कंपनी का सिर्फ 3% है और कंपनी का फोकस है इसको बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी 5-6 कंट्री से बिजनेस आना स्टार्ट हो गया है। कंपनी Tier 1 सिटीज में एक्सपैंड करना चाहती है, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव। गुड़गांव में 400 बेड का हॉस्पिटल अगले 3 साढ़े 3 साल में तैयार हो जाएगा। इस साल 270 बेड ऐड करने का प्लान है, अगले 4 साल में 1,000 बेड्स ऐड करने का प्लान है। अगर बेड्स इतनी तेजी से इंक्रीज होते हैं तो नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। कंपनी के अनुसार FY 24 में जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो मिड टीन्स में होगी। 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी का प्लान है। Q1 में ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम थी, लेकिन पूरे ईयर का फोरकास्ट जो है वो 50% ऑक्यूपेंसी वो या उससे ज्यादा का है। एक डोमिनेंट प्लेयर है इंडस्ट्री में चाइल्ड केयर में, और उसको कंपनी मेंटेन करना चाहती है, और ये स्टॉक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है अगले 10 साल के लिए। रिस्क की बात करें तो कंपटीशन काफी इंटेंस है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी आप देख पाएंगे कि एक डेडिकेटेड एरिया है चिल्ड्रन के लिए, जैसे अपोलो क्रेडल। काफी एम्बिशियस कैपेक्स प्लान है, कंपनी को प्रूव करके दिखाना होगा। हब एंड स्पोक स्ट्रैटेजी को दिल्ली में भी इंप्लीमेंट करके दिखाना होगा।
रेगुलेटरी रिस्क और गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो रहती ही है। एज अ डिस्क्लोजर, मैंने इस स्टॉक को रिसेंटली ऐड किया है, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके, अपनी ड्यू डिलीजेंस करके ही लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।